तो जैसे इंडिया यार अनबायस्ड होके उन्होंने ब्राजील, फिर स्विट्जरलैंड और तमाम कंट्रीज जिन्होंने जिन्होंने मांग की थी इंडियन से, उनको उन्होंने ये मेडिसिन पहुंचाई है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। यार मैंने ये तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड की है, इंडिया और बांग्लादेश काफ़ी मिक्स हो रहा था, तो अभी मैंने ना मतलब झटके दे दे के रिकॉर्ड किया, मतलब ठहर ठहर के। तो यार भाई आपका हाजिर है दूसरी वीडियो के साथ, और मतलब आज की दूसरी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे मुँह से निकल गया। तो आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो है, और ब्रांड न्यू वीडियो का टाइटल है मेट्रोफोन माउंटेन, और आगे हिंदी है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही, करंट अफेयर्स 2020। तो और जो थंबनेल पे नज़र आ रहा है, इंडिया का झंडा फ्लैग है वो माउंटेन के ऊपर है, तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, और काफ़ी वीडियो ये वायरल हो रही है, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले यार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी लेटेस्ट रिएक्शन अपलोड हो तो सबसे पहले आप देखें, मेरे भाई आप देखें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, उनके चैनल को भी सपोर्ट करें, यार अमेजिंग कंटेंट होता है इनका। और अगर आप करंट अफेयर से एसोसिएट करना चाहते हैं इंडिया से, तो अगर पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी है ना, तो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं और डिटेल वीडियोज़ होती हैं, जाए चेकआउट करें। अगर आप मतलब आप अपना IQ लेवल और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल चाहते हैं, तो ये बेस्ट चैनल है भाई, सब्सक्राइब तो बनता है, मैंने भी किया हुआ है, मुझे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पसंद है। तो ये बकवास ज़्यादा हो गई है, मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ, हियर वी गो। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटरहॉर्न माउंटेन के बारे में, जिस पर रिसेंटली इंडिया का ट्राई कलर प्रोजेक्ट किया गया था थ्रू ए लाइट प्रोजेक्टर। डिस्कस करते हैं कि ये माउंटेन है कहाँ पर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ ज्यादा आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगेन टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप अवेलेबल है, स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, ये डाउनलोड करिए। इस ऐप में आप हमारा UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस, घर बैठे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं आप विद आर UPSC कोर्स। नाउ कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने में इंडिया का बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है। इंडिया ने रिसेंटली 55 कंट्रीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQ, उसके अलावा पैरासिटामोल और वेरियस और मेडिसिन एक्सपोर्ट करी हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करी है। ऐसे टाइम ये काम ना इंडिया का अप्रिशिएट करना चाहिए, मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं कर रही भाई, दोनों हाथ से सैल्यूट डिजर्व करते हैं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुतारेस, इन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया और इंडिया जैसे कुछ और कंट्रीज जो है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन देयर फाइट अगेंस्ट COVID-19। नाउ जो हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट करी है, इस सब के अलावा इंडिया का एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये भी है हमारा टाइमली लॉकडाउन। हमने अर्ली एक्शन लिया, पूरी कंट्री को लॉकडाउन कर लिया, और हमारे लॉकडाउन से सिर्फ हमको फायदा नहीं होगा, हमारे यहाँ तो लोग बच जाएंगे, जान बचेंगी। उस सब के अलावा अगर मान लीजिए इंडिया में लॉकडाउन हम नहीं लगाते, तो इंडिया से ये वायरस दुनिया भर में भी फैलता रहता। तो दुनिया के लिए भी मैं कहूँगा हमारा जो ये लॉकडाउन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ऑब्वियस ही बात है, ये लॉकडाउन आसान है नहीं, काफ़ी मुश्किल है, लोग घर में रिस्ट्रिक्टेड हैं, बिजनेसेस काफ़ी हद तक रुके हुए हैं। तो ऐसे टाइम में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इंडिया का सपोर्ट देने के लिए, सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, दुनिया के सबसे फोटोग्राफ्ड माउंटेन पर इंडिया का जो ट्राइकलर है ये प्रोजेक्ट किया एक लाइट प्रोजेक्टर से। जी हाँ, जब मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड माउंटेन, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैटरहॉर्न माउंटेन की, जो आपको स्विस आल्प्स में मिलेगा। नाउ क्या ये जेन्युइनली दुनिया का सबसे फोटोग्राफ्ड माउंटेन है? जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से आपके घर में भी कभी कोई कैलेंडर आया होगा, या फिर आपने कभी डेस्कटॉप पे इस माउंटेन का वॉलपेपर लगाया होगा, ये आपके सामने है मैटरहॉर्न माउंटेन, बहुत ही आइकॉनिक माउंटेन है, इसकी एक डिस्टिंक्ट शेप है, अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है द मोस्ट फोटोग्राफ्ड माउंटेन इन द इंटायर वर्ल्ड। और इस माउंटेन पे रिसेंटली दिखा है इंडिया का ट्राइकलर, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने किया इंडिया के लिए, और ये ऑफ कोर्स एक जायंट लाइट प्रोजेक्टर से किया गया है, ठीक है, लाइट थी बेसिकली, उसको प्रोजेक्ट किया गया है इस माउंटेन पर। और जो ये जेस्चर है काफी स्पेशल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है, द वर्ल्ड इज फाइटिंग COVID-19 टुगेदर, ह्यूमैनिटी विल श्योरली ओवरकम दिस पेंडेमिक। और इंडिया के अलावा बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं रिसेंटली जिनके फ्लैग को इस माउंटेन पर प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे कि US, जर्मनी, स्पेन,
यूनाइटेड किंगडम और जापान। यहाँ पे आप देख पाएंगे अमेरिकन फ्लैग और मैटरहॉर्न, उसके अलावा ये है यूके का फ्लैग और जापानीज फ्लैग। नाउ मैटरहॉर्न माउंटेन बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे है ये जाना भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जीके पर्सपेक्टिव। देखो मैटरहॉर्न माउंटेन पार्ट है एल्प्स का और इसकी लोकेशन है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। ये जो माउंटेन है दोनों स्विट्जरलैंड और इटली दोनों ओन करते हैं, मगर जो इसका मेजॉरिटी पार्ट है, जो आप कह सकते हैं जो इसका सबसे आइकॉनिक और फोटोजेनिक पार्ट है, जिस पार्ट की फोटोग्राफ्स काफी हद तक कॉमन है, वो आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। और जो ये प्रोजेक्शन है ये भी इटली की गवर्नमेंट ने नहीं करी, ये स्विट्जरलैंड की सरकार ने करी है। नाउ एल्प्स की अगर मैं बात करूँ तो जो टोटल ये स्ट्रेच है इस माउंटेन रेंज का ये है 1200 किलोमीटर और ये 8 देशों में ये माउंटेन रेंज आपको मिलेगी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिचेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। ये जो कंट्रीज के नाम है ये याद रख लेना, इन्हीं कंट्रीज में आपको एल्प माउंटेन्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसका प्रॉपर मैप है, ये फ्रेंच एल्प्स है, ये स्विट्जरलैंड के एल्प्स हैं, ये यहाँ पर ऑस्ट्रियन एल्प्स हैं, ये इटालियन एल्प्स हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक्चुअल मैप है, ठीक है, ये फ्रांस है, ये इटली यहाँ पर, और बेसिकली इस एरिया के आसपास यहाँ पे आपको ये स्लोवेनिया, यहाँ पे ये भी कवर कर लो, इस एरिया में आपको रफली मिलेंगे ये माउंटेन्स। नाउ ये जो माउंटेन रेंज है इसकी एक पीक भी होती होगी, सबसे ऊंचा माउंटेन, तो देखिए जो इसकी पीक है ये है मॉन्ट ब्लांक, हालांकि इसको फ्रांस में मॉन्ट ब्लांक भी बोलते हैं, काफी बार इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है आपको मॉन्ट ब्लांक भी मिलेगी, तो डिपेंड करता है आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं इस वीडियो में मॉन्ट ब्लांक बोलूंगा क्योंकि काफी बार मुझे प्रोनाउंस करना होगा। तो मॉन्ट ब्लांक को आप अगर देखें तो इट इज द पीक ऑफ दिस माउंटेन रेंज और ये लोकेटेड है बिटवीन इटली एंड फ्रांस और दोनों सरकारें इसको ओन करती है, दोनों कंट्रीज के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट है कि मिलकर इस माउंटेन की वो देखभाल करेंगे और यहाँ पे जो भी क्लाइंबर्स हैं उनको रेगुलेट करेंगे। कंपैरिजन में आप अगर मैटरहॉर्न को देखो जिसपे इंडिया का फ्लैग प्रोजेक्ट किया गया था तो ये भी अपने आप में काफ़ी ऊंचा है, इसकी हाइट है 14,692 फीट, मगर ये यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन नहीं है, मगर फिर भी इवन दो ये आप कह सकते हैं मॉन्ट ब्लैंक से छोटा है, इसकी अपने आप में एक यूनिक पहचान है और ये दुनिया का सबसे फोटोग्राफ्ड माउंटेन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मैटरहॉर्न माउंटेन की लोकेशन है, ये है फ्रांस, ये है इटली और ये यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। नाउ एक बार जो ये माउंटेन है आपको प्रॉपरली बड़े मैप पे दिखा देता हूँ फॉर प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये आपके सामने एशिया का मैप है और ये आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज मैटरहॉर्न माउंटेन यहाँ पे, ऑलराइट, ये आप देख पाएंगे ये ऑफकोर्स टॉप डाउन व्यू है तो थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा, वैसे आप अगर इस साइड से देखोगे इसको तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये स्विस एल्प्स है और ये है यहाँ पर मैटरहॉर्न माउंटेन, इसके नीचे इटली स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे और पूछूंगा, सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है ये क्या है बिना गूगल करके बताइए, ये मैं आपके सामने देता हूँ ऑप्शन, यूरो, दिनार, दिन या फिर फ्रैंक, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, उसके बाद मैं देखेंगे ये क्या है। तो यार वीडियो का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, जब मैंने ये सुना और जब मैं देख रहा था तो मेरे दिल में यही आ रहा था कि यार काश पाकिस्तान का भी नाम हो, लेकिन पाकिस्तान का मतलब फ्लैग है वो जो कह रहे थे ना कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी किया है, उनका भी डिस्प्ले किया, तो मैं सोच रहा था कि काश पाकिस्तान का भी हो क्योंकि ये अच्छी वाइब्स है और इंडिया के लिए यार फीलिंग मतलब होगी जोन सी वो मुझे मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान के लिए जैसा सोच रहा था, तो इंडियंस को जब ये देखने को मिला होगा तो यार जब इंडियंस ने ये देखा होगा तो यार उनके वो कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, और क्योंकि यार वाइब्स ही कुछ ऐसी है कि आप दुनिया और मतलब यार देखने वाली माउंटेन थी और उस पर इंडिया का फ्लैग यार कमाल लग रहा था और मतलब जिनके भी फ्लैग लगाए हैं ज़बरदस्त लग रहा था, लेकिन इंडिया के जो तीन कलर कम्बिनेशन दिए हैं ना वो बेस्ट था, बाकी दो के जापान के भी दो हैं, अमेरिका के भी थे तीन है, लेकिन वो वाइट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इंडिया का था ना वो तरतीब के साथ एक अच्छा इमेज प्रोड्यूस कर रहा था और थंबनेल से भी अंदाज़ा हो रहा था कि कोई अच्छी वीडियो है और जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो यार जैसा कि मैंने पहले बोला था कि पीएम मोदी ने एक अच्छा स्टेप लिया और टाइमली उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया, जहाँ पूरी दुनिया मुहालिफ हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया मुहालिफ हो रहा है और इमरान खान भी मुहालिफ ही है। तो यार मैंने जैसे अपने पहली वीडियो में कहा था कि पीएम मोदी ने काफ़ी एक अच्छा डिसीजन लिया और टाइमली उन्होंने अपने कंट्री को लॉकडाउन किया क्योंकि एक इंडिया बहुत बड़ी आबादी है
सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि इंडिया सबसे बहुत बड़ी आबादी है, अगर वो इन्फेक्टेड होता है, इंडिया में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो फिर वो अपने कंट्रीज़ में जाएंगे, फिर वहाँ इन्फेक्टेड होंगे, इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, टाइमली लॉकडाउन किया और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो मैंने अभी सर्च सारी की हुई है इस वीडियो के लिए, इंडिया में जो पहला गया केस रजिस्टर हुआ था वो था 30 जनवरी को और पाकिस्तान में जो रजिस्टर हुआ वो था 26 फरवरी को, मतलब 26 डेज के बाद। और पाकिस्तान के अभी केस हैं 12,000 और इंडिया के हैं 21,000, मतलब 9,000 का डिफरेंस। और 26 दिन पहले इंडिया में रजिस्टर हुआ है। और इंडिया की आबादी का तनासब भी देख लें, इंडिया का आबादी का पाकिस्तान से 5 times ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान के जो कोरोना केसेस हैं उसको 5 times से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मेरे ख्याल से बनते हैं 60,000 से ऊपर, और इंडिया का इस टाइम 22,000 26 दिन पहले का। तो देख सकते हैं कि इंडिया ने कैसे ये कंट्रोल किया है और किस तरह उन्होंने लॉकडाउन को अपनाया, और अभी जहाँ तक है उन्होंने अभी तक टाइटली लॉकडाउन किया हुआ है। और पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान में अभी इस टाइम रमादान के लिए मार्केट का, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले रमादान में मार्केट खोलने की इजाज़त मिल चुकी है, अब मतलब फुल हल्ला गुल्ला होगा, जिसके मतलब कोई एहतियाती तदाबीर नहीं होगी, जिससे यार खतरा है कि पूरी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो इफेक्टेड होगी। तो मुझे नहीं समझ आता ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि यार जब 30,000 पे जाना है या 40,000 पे जाना है, जैसे इटली ने मतलब उनके जब 30,000 हुए थे ना तब उन्होंने अपना पूरे इटली को बंद कर दिया था, बाद में बंद करना है तो भाई पहले कब बंद कर लो ना, कि मतलब वो 30,000 या 40,000 पे जाके केसेस रुक जाएं, आपने एमी मतलब 50-60 lakh करवा के फिर छोड़ना है, मुझे ये इस डिसीजन की समझ नहीं आती। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, मैं मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ जो स्ट्रेटजी ये अपना रहे हैं, ये मतलब काफ़ी मुश्किल है स्ट्रेटजी। अगर फ़र्ज़ कर लो अगर ये केस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो तब भी तो आप गरीबों को खाना नहीं ना दे सकते, तो फिर ज़्यादा तब गरीब इन्फेक्टेड होंगे, फिर पूरा कंट्री बंद करना पड़ेगा। अभी कुछ शहर आप ओपन कर सकते हो, कुछ शहरों को नहीं कर सकते, लॉकडाउन कर दो जिनमें नहीं है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया ने एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है, टोटली लॉकडाउन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने तनकीद की थी कोई 5-6 दिनों के बाद जब ये 21 डे का लॉकडाउन हुआ था, लेकिन वो ना मतलब स्टिल अपने डिसीजन पे रहे हैं, और एक अच्छा लॉकडाउन की वजह से और जो उनकी कम्युनिटी ने उनको मतलब जो बैकअप दिया है पीएम मोदी को, तो वो काफ़ी यार अप्रिशिएट करने वाला है। उम्मीद है यार पाकिस्तान में भी थोड़ी इधर नज़र होगी और लॉकडाउन करेंगे, अब देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान में, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियंस। और जैसा कि बता रहे थे कि इंडिया ने जैसे वो सल्यूट डिज़र्व करता है, जो दवाइयाँ यार मुझे उसका नाम नहीं बार बार देन में निकल जाता, काफ़ी मुश्किल है, हाइड्रोक्सीन क्लोरोक्वीन इस तरह का नाम है, वो पूरी कंट्रीज़ को दी, तो जैसे इंडिया यार अनबायस्ड होके उन्होंने ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड और तमाम कंट्रीज़ जिन जिन्होंने मांग की थी इंडियन से, उनको उन्होंने ये मेडिसिन पहुँचाई है, तो यार और इंडिया को भी काफ़ी टेक्नोलॉजी में दिया उन लोगों ने। तो यार इसी तरह ही चलता है कि एक हाथ से दो एक हाथ से लो, तो मतलब कोई ब्लैकमेलिंग इंडिया ने नहीं की, तो ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब ये सिचुएशन नहीं ऐसी, इंडिया ने ह्यूमैनिटी की मदद की है, इस काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम की आईडी होगी आ जाएं इंस्टाग्राम पे बातचीत करते हैं भाई आज़ीरा, और जो रिकमेंडेशन दी है आपने इंशाल्लाह उस पर वीडियो रिएक्शन उस वीडियो पर रिएक्शन दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर कोई रिकमेंडेशन है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा गाइड ज़रूर करना वीडियो के बारे में, और जो ये हिंदी लिखी होती है ना टाइटल में उसका मुझे बता दिया करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।